गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। एक्चुअली इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने मैग्नेट क्या होता है यह पढ़ लिया था। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक मटेरियल। समटाइम्स आयरन लाइक मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक्चुअली such type of material is showing a property which is able to attract by the magnets। और यह magnet जो है इसके types के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके types क्या क्या थे? तो पहला type था natural magnet, दूसरा type था permanent magnet। यह natural magnet जो है इसके लिए हम लोग कहते थे Fe3O4 मैग्नेटाइट जो मटेरियल है Fe3O4 यह नेचुरली पाया जाता है ओर के रूप में। और यह किसका ओर है तुम्हें पता लग रहा है, आयरन ओर। और यह ना एक प्रॉपर्टी शो करता है जो ना उसके आयरन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ लाता है। अब यह जो नेचुरली पाया जाएगा तो जैसे ऐसा मानना है कि साउथ एशिया में एक मैग्नेशिया नाम का प्लेस है जहां माउंटेन है जिसमें यह मैग्नेटाइट ओर्स के रूप में पाया जाता है। बट उसके लिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वह हेवी इन साइज, इरेगुलर इन शेप होने की वजह से उसका हमारा इंस्टॉलेशन, मतलब हम जहां चाहते हैं जहां रखना, जहां उसे यूज करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता था। और कुछ डिमेरिट्स की वजह से इस नेचुरल मैग्नेट्स का यूज हम उतना नहीं कर पाते। तो हमें चाहिए ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसका हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में हमें उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, जिस शेप में यूज करना है, उस तरह का बना सके, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसके बाद इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, उसमें था परमानेंट मैग्नेट में और टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तुम सब जानते हो कि वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंस जो कैपेबल हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमेशा प्रोवाइड करने के, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। बट कुछ ऐसे मैग्नेट, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक पार्टिकुलर कंडीशन पर ही इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का सिंपल सा एग्जाम्पल हम दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो इस मैग्नेटिक नेचर को तभी तक प्रोवाइड करता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मतलब करंट का फ्लो बंद होता है और इसका मैग्नेटिक नेचर वैनिश कर जाता है, खत्म हो जाता है। अब इसमें देखिए सर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कॉल वेल होता है जो घर के बाहर लगाए हुए रहते हैं, उसको जितना देर तक स्विच प्रेस किए हुए रहते हैं उतना देर तक ही बचता है। जैसे ही स्विच पर से हाथ हटाते हैं वह रिंगिंग ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जितना देर तक स्विच ऑन किए उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट मिल रहा है और उसको बजर को बजा रहा है। तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब यहां देखिए इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे पास उसके जो टाइप्स थे, टाइप्स में बार मैग्नेट बोलते हैं, हॉर्स टू मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, ये सब इस मैग्नेट के मेरा मतलब है आर्टिफिशियल मैग्नेट के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। अब इसमें जो बार मैग्नेट है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। इस बार मैग्नेट के रिप्रेजेंटेशन में शेप तो ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया। अब इसके बाद इसके कुछ कैरेक्टर्स, जैसे देखिए ये एन एंड एस, यह क्या है? एन इसके नॉर्थ पोल को डिनोट कर रहा है, एस इसके साउथ पोल को डिनोट कर रहा है। पोल क्या होता है? फिर किसी भी मैग्नेट का वन लोकेशन जहां मैग्नेटिक नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज मैक्सिमम, द प्लेस वेयर
द मैग्नेटिक नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज मैक्सिमम इज नोन एज पोल्स ऑफ दैट दैट मटेरियल। इसके बीच में यह जो रीजन है, ये सारे रीजन है, कि सभी रीजन पर मैग्नेटिक फोर्स होता तो है लेकिन कम होता है इस दोनों रीजन के रिस्पेक्टिव। अब एक जगह देख लिए हम लोग, तो इसके बाद आता है कि यह हम लोग अगर यहां रखे किसी सब्सटेंस को तो इसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई आयरन को यहां रखे तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, जैसे ही इसके पास लाए कुछ पार्टिकुलर दूरी पर है कि इसे अट्रैक्ट कर लेता है, वहां से इसे पुल कर लेता है। इसका क्या है? तो देखिए, इसका यह जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स उसे यह एक्सपीरियंस कर रहा है, वह मीन्स आयरन मीन्स जिसको बोलते हैं, आयरन पीसेस भी बोल सकते हैं, उसको यह अट्रैक्ट कर लेता है। तो बहुत दूर है तो नहीं, लेकिन एक पार्टिकुलर जोन में आता है तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो दैट एरिया इन विच द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन बी फील बाय एनी आयरन और आयरन लाइक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल। अगर यह मैग्नेट है तो वह एरिया इसके चारों तरफ होंगे, ऐसे एरिया कुछ इधर होंगे कुछ इधर होंगे, इस तरह से कुछ एरिया बनेंगे जिसमें इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वह आयरन या आयरन लाइक मटेरियल फील कर पाता, उस एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। अब मैग्नेटिक लाइंस है तो इसे स्टडी जब किया गया तो कहा गया क्या कि जैसे आयरन रिंग्स जो होते हैं, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, कील वगैरह जो होते हैं, उसे रख दिया गया और दूर से मैग्नेट को लाते हैं उसके पास, जैसे ही लाते हैं तो इस पे ना कुछ इस स्टेप से, इस स्टेप से, ऐसे से, ऐसे से, इस स्टेप से, ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं। तो यह जितने तरह से जो ऐसा एक एरिया बनेगा, इस सभी एरिया को जब हम एक लाइंस से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर देते हैं तो उसे उस लाइंस को रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल लाइंस टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स इन देयर रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और यह जो मैग्नेटिक ये जो देख रहे हैं ये इस टाइप से ये जो देख रहे हैं ऐसे ये सारे के सारे जो है यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ इसकी प्रॉपर्टी होगी। देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहां देखते हैं, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटसाइड द मैग्नेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड एट साउथ पोल। इसको एक बार और हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ मैग्नेट इज इनविजिबल बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज फोर्सेस देन वी हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइन है वो ये है कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे वह टर्मिनेट होगा कहां पे और ओरिजिनेट होगा कहां। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं द ट्रेन टर्मिनेट्स एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, इसका मतलब यह नहीं होता है कि वह ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचते हुए ही खत्म हो जाता है, उसका नहीं दिखेगा, लोहा आयरन बन जाएगा, वुड अलग बन जाएगा, ऐसा नहीं। टर्मिनेट्स का मतलब यह हुआ कि यह वहां तक पहुंच करके अपनी जर्नी को खत्म करता है, लेकिन वह होता है। वैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है ओरिजिनेट होगा इस नॉर्थ पोल से,
ठीक है, ओरिजिनेट होगा नॉर्थ पोल से, तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होगा, तो इस टाइप का एरो दिखा दो और टर्मिनेट होगा साउथ पोल पे। टर्मिनेट हो रहा है मतलब यहां से देखिए ओरिजिनेट होते हुए आएगा और यहां देखिए एंटर कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे जैसे इस मैग्नेट से दूर होगा मतलब पोल से दूर होगा, यह लाइन है स्पेसिंग दिखेगा मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा होता हुआ दिखेगा, बट जैसे ही यह पोल के पास आएगा यह लाइन क्राउडेड दिखेगा। यह इस चीज को रिप्रेजेंट करता है द मैग्नेटिक नेचर ऑफ अ मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल ऑफ दैट मैग्नेट, ठीक है। तो ये चीज देखिए यहां पर यह ओरिजिनेट होगा ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल, टर्मिनेट एट टर्मिनेट, या फिर तुम अपने कंट्री के लिए मर्ज भी दे सकते हो मर्जेस एट साउथ पोल, जो है जैसे ये देखिए दिख रहा है, जैसे जैसे इधर दूर होगा ना यहां देखिए कितना स्पेस है, यहां पर देखिए कितना स्पेस है, यहां का स्पेस देखो यहां का स्पेस देखो, इस दोनों में डिफरेंसेस दिख रहा है और यह डिफरेंसेस यही बताता है कि जो मैग्नेटिक नेचर है वह उस मैग्नेट के पोल से मैक्सिमम होगा, उस पोल से जैसे जैसे दूर जाएगा वह कम होता जाएगा। दूसरा देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है मतलब बोर्ड के एग्जाम्पल में भी पूछते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स और फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर या वन अनदर, इसमें से कोई भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, तो ये मैग्नेटिक लाइन्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है डायरेक्शन भी होता है, और इसे मैग्नेटिक लाइन्स को मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ऊपर वेक्टर फिर होता है। तो यह जो मैग्नेटिक लाइन्स और फोर्सेस है अगर यहाँ ये इंटरसेक्ट कर गया, यहाँ पर जैसे आया और कोई मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे यहाँ से आया और ये यहाँ से ऐसे इसको इंटरसेक्ट कर गया, देखिए इधर चला आया, तो इसे आप क्या करेंगे अगर यह इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर दूंगे, या एरो ऐसे नहीं दे करके अगर ऐसे भी दिया हुआ है तब भी क्या होगा, ये यहां से एक इधर डायरेक्शन है और एक इधर डायरेक्शन है, तो सेम इस पॉइंट पर इधर डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर भी अगर देखा जाए उसका डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज नॉट पॉसिबल टू
find out that particular or exact direction of magnetic field at the point. यहाँ अगर हम लोग ए लेते हैं तो इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एब्सर्ड कंडीशन आया था, ये गलत कंडीशन आया था, ठीक है, इसलिए इस चीज को यहाँ पर नहीं ले सकते। तो एक हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें पूछता है कि व्हाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। तो द रीजन इज दैट if the magnetic lines of forces intersect on one another, then the direction of that magnetic field at that point is in absolute condition, because one and only direction is valid, more than one direction is not valid, okay। अब देखिए, अब poles से related एक important चीज है, monopoles कभी exist करता है, single pole, एक pole कभी exist नहीं करता है, ठीक है। third में यहां लिख सकते हैं पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर इस मैग्नेट को तोड़ दिया जाए बीच से, जैसे ही तोड़ दोगे तो एक साइड नॉर्थ और दूसरी साइड, फिर ऑटोमेटिकली वह दूसरा पोल एग्जिस्ट कर जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद मैग्नेटिक को ये मैग्नेटिक क्राउडेड होगी क्या, जहां ज्यादा क्राउडेड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, यह जो कंडीशन है इसके साथ, और ये जो कंडीशन है, ओके, चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक थैंक यू।